कई तौर पे दोस्तों कमेंट भी आ रहे थे कि हमें ग्लेस की रेसिपी चाहिए, क्योंकि आप ट्रूफल केक तो बना लेते हो लेकिन उसके साथ दोस्तों जो शाइनिंग का काम करता है, जो ग्लेस का काम करता है, जिससे दिखने पे दोस्तों ऐसे चमक उठती है, वो दोस्तों उस चीज़ को ग्लेस बोला जाता है। सो उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ़ DS मेरा, आपको पता ही है मैं आपके साथ बेकरी की रेसिपीज और नॉलेज शेयर करता हूँ। अभी ज़्यादातर तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी और पर डिमांड जो होता है रेसिपी की आ रही है, और काफ़ी सारे जो कमेंट है वो भी बहुत सारे आ जाते हैं। जहाँ तक हो सके मैं दोस्तों जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और नहीं दे सकता तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी आप टाइम निकाल के कमेंट करते हैं और जो मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से दोस्तों मैं आपको नॉलेज भी देता रहता हूँ और मैं भी अपने साथ साथ बाय साथ अपनी नॉलेज भी लेता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपीज़ है वो ग्लेस की रेसिपी के बारे में मैंने इसमें बताया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप पे करके किस तरह से जो अपनी ग्लेस की रेसिपी वो तैयार कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं, इसमें 3 मेथड का आपको यूज़ करना है। सिंपल तौर पे मैं सोचता हूँ कि आपको जितना सिंपल हो सके उतनी आपके तौर पे सिंपल रेसिपी बताने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी रेसिपी पर। सो फ्रेंड्स, पहले स्टेप से बात कर लेते हैं, यानी कि अपने इंग्रेडिएंट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोगे आप कैस्टर शुगर, 585 ग्राम दोस्तों आपको कैस्टर शुगर लेनी है। उसमें 210 ग्राम दोस्तों उसमें वाटर डालना है और 200 ग्राम उसमें कोको पाउडर यूज़ करना है। फिर इन तीनों को आपको एक साथ बॉयल करने के लिए रख देना है कि जब तक वो बॉयल ना हो जाए। फिर जैसे ही वो बॉयल हो जाता है उसमें दोस्तों डालना है आपको फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों जो फ्रेश क्रीम होगा वो करीबन 400 ग्राम होगा। फिर जैसे ही आप फ्रेश क्रीम को मिक्स कर लेते हो आपको तीसरे मेथड का यूज़ करना है। इसमें दोस्तों साइड से आपको 150 ग्राम इसमें जेलेटिन और 100 ग्राम इसमें वाटर को एक साथ बॉईल करने के लिए रख देना है। फिर जैसे ही वो गर्म हो जाता है दोस्तों आपका जो पहला मिक्सचर है उस चीज़ में उसको डाल देना है। फिर दोनों को आपस में मिक्स करने के बाद आप उसको ठंडा करने के लिए रख सकते हो। फ्रेंड, केक जब रेडी हो जाता है तब आप उसको बाहर निकाल के माइक्रोवेव करके दोबारा से उस ग्लेस को यूज़ कर सकते हो। मतलब आप जितना चाहो उसको यूज़ करो, फिर बाकी आप फ्रीज में डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी रेसिपी जो ग्लेस के बारे में थी। इसी तरीके आप फ्लेवर तौर पे ग्लेस बना सकते हो, वो भी अगर आप कमेंट करोगे सो मैं बाकी और के मिरर ग्लेस हो जाए और भी कई ग्लेस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप फ्रेंड्स ये ग्लेस की रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए बेकरी की रेसिपीज और नॉलेज लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।